ସମାରୋହରେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ବୀରଭୂମିର ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପଦ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅମରୋହରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶାନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ଆସିଲେ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ କାମ ପୂରା ହେବ। ଏଥିସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी, तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जो राम की भक्ति करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? अमरोहा परे मध्यप्रदेश दमोह रे प्रधानमंत्री मोदी गत 10 वर्ष धरी बीजेपी एक दृढ़ एवं स्थिर सरकार देवारे सक्षम होईची बोली कहिचंती। आज विश्व भारतर जय जयकार हेउची, भारत को मिलीची बड़ परिचय, भारतर गणतंत्र शक्ति कारण संभव हो पारी बोली कहिचंती मोदी। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले, इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। यहाँ के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश और एमपी परे महाराष्ट्र वर्धारे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करिछंती। एठारे से कांग्रेस और इंटी मेंट उपरे जोरदार बर्षिछंती। कहिछंती इंटी मेंट देश विरोधी और कृषक विरोधी, वर्ष वर्ष धरी देश रे क्षमता रे रहिबा सत्वे सेमाने देशर कृषकों पाई कोनोसी काम करिनांती, केवल निज स्वार्थ साधन सेमानक जीवनर लक्ष्य। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है। इसलिए देश में दशकों तक किसानों की हालत लगातार इतनी खराब रही है। मोदी को जनसभा रे लोगों को भीड़ रु बाहरुतबा भारत माता की जय एवं अब की बार 400 पार रो स्लोगान विरोधी को नीत हजाई देछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संग साथी आपन को पिलाटी रो पाठ पढा ओ करियर को प्रभावित करू छि कि आपन सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही असंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासीय स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।